नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जोगिंदर सिंह कंडियाल। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री मोदी वल्लों देशवासियों नूं पोषण अभियान, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त अते फिट इंडिया अभियान विच सरगर्म तौर ते भाग लैण दी अपील। प्रधानमंत्री 29 अगस्त तों फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करनगे। वातावरण संभाल बारे डिस्कवरी चैनल पर मोदी नाल दिखाया गया प्रोग्राम 165 देशों में उन्हां दी भाषा में प्रसारित किया जाएगा। सुल्तानपुर लोधी बटाला डेरा बाबा नानक में चल रहे विकास कार्यों का पंजाब सरकार वल्लों उच्च पद्धरी मीटिंग में जायजा लिया गया। आम आदमी पार्टी ने बस किराया विच कीता गया वाधा वापस लैण दी मंग कीती है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं पोषण अभियान, स्वच्छता अभियान ते नवें शुरू कीते जा रहे फिट इंडिया अभियान विच वड्डी गिणती विच शामिल होण दा सद्दा दित्ता है। अज अपने मासिक प्रोग्राम मन की बात राहीं देशवासियों नाल गल करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सदियों तो ही वातावरण ते जंगली जीवों की संभाल, नागरिकां दी तंदुरुस्ती ते घर बार नूं साफ सुथरा रखण दी परंपरा ते चलदा आ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वल्लों दित्ते समाज ते देश सेवा दे नाल नाल साफ सफाई दे काम विच वी सरगर्म रोल अदा कीता गया सी। उन्हां कहा कि इस बार 2 अक्तूबर नूं असीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दी 150वीं जयंती मना रहे हाँ। उन्हां कहा कि महात्मा गांधी दे फलसफे दी भारत विच ही नहीं सारी दुनिया विच अज वी चर्चा हुंदी है। उन्हां कहा कि भगवान कृष्ण दी जीवन सानू जीवन दीयां समस्यावां दा हल लभण विच अज वी सहाई हो सकता है, जदकि महात्मा गांधी ने अहिंसा दे संदेश नाल मनुखी कदरां कीमतां नूं इक नवां रूप दिता। श्री मोदी ने कहा कि एक सुदर्शन चक्करधारी मोहन अते एक चरखाधारी मोहन ने भारत दी जीवन धारा उत्ते अपनी अमिट छाप छड्डी है। उन्हां नागरिकां नूं महात्मा गांधी दे समाज सेवा दे फलसफे नूं अपनी जिंदगी विच ढालण दी अपील कीती। उन्हां कहा कि राष्ट्रपिता नूं इह सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। प्रधानमंत्री ने 2 अक्तूबर वाले दिन समाज सेवा लई व्यक्तिगत तो लैके समाज दे देश पद्धर तक कोई ना कोई काम कीते जाण दी अपील कीती है। उन्हां गांधी जयंती मौके देश दे हरेक नागरिक नूं समाज अते देश लई कोई ना कोई संकल्प लैण दी अपील कीती है। 130 करोड़ देशवासियों के पास 130 करोड़ कल्पनाएं हैं, 130 करोड़ उपक्रम हो सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। जो मन में आए, बस सदिच्छा हो, सदहेतु हो, सद्भाव हो और पूर्ण समर्पण भाव की सेवा हो, और वो भी स्वांतः सुखाय। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 11 सितंबर तो देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया जाएगा। उन्हां कहा कि इस अभियान तहत सानू घरां, गलियां, बाजारां ते जनतक थावां ते साफ सफाई की मुहिम चलाउंदिआं देश नूं इक वार दी वरतों वाले प्लास्टिक तो भी मुक्त करना है। उन्हां कहा कि प्लास्टिक का कूड़ा करकट वड्डे पैमाने ते कई कामां लई मुड़ वरतों विच लिआंदा जा सकता है ते इस काम विच समाज दे सारे वर्गां, देश दे हर नागरिक ते सनअतां नूं आपो अपना योगदान पाउणा चाहीदा है। श्री मोदी ने आस प्रगट की कि देश नूं इक वार दी वरतों वाले प्लास्टिक तो मुक्त करन दा काम दिवाली तो पहलां पूरा किया जा सकता है। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 125 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया, उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करना है। श्री मोदी ने कहा कि तंदुरुस्त फिट रहने लिए संतुलित ते पौष्टिक भोजन साढ़े सारे लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि खास करके औरतों ते बच्चों लिए पौष्टिक भोजन वधेरे जरूरी है, क्यों जो बच्चे साढ़े समाज के भविख की नींह ने। श्री मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि पोषण अभियान एक लोक लहर बनाया जाए। श्री मोदी ने कहा कि परिवार विच खुशियां दे मौके स्वादी ते पौष्टिक भोजन नाल लगदे आंगनवाड़ी केंद्रां ते स्कूलां विच वंडिया जा सकता है। देश नूं कुपोषण तो बाहर कढ़न लई श्री मोदी ने सितंबर महीने दौरान चलण वाले पोषण अभियान विच सारे नागरिकां नूं योगदान पाउण दी अपील कीती। सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि
यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। जंगली जीवां ते वातावरण संभाल दा जिक्र करदिआं श्री मोदी ने इस संबंधी डिस्कवरी चैनल वल्लों दिखाए गए एक प्रोग्राम दा चेचे तौर ते जिक्र कीता। उन्हां कहा कि उस प्रोग्राम नूं देख के देश विदेश तों उन्हां नूं चंगा हुंगारा मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि यह प्रोग्राम इन्ना सलाया गया है कि डिस्कवरी चैनल वल्लों इस प्रोग्राम नूं 165 देशां विच उत्थों दी भाषा विच प्रसारित करन दा प्रोग्राम बनाया गया है। श्री मोदी ने इस संबंधी लोगों वालों पूछे गए कई सवालों का जवाब देंदिया कहा कि इस प्रोग्राम में तकनालोजी की भरपूर वरतों की गई। उन्हें दसा कि जब वो हिंदी में बीयर ग्रिल्स नाल गल करते सन तो तकनालोजी की मदद नाल उन्हां दी ये गल ग्रिल्स के कन में लगे एक ईयरफोन राही अंग्रेजी में पहुँच जाती सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनालोजी की मदद नाल अजिहा कमाल संभव हो सकया है। श्री मोदी ने देशवासियों को भारत के जंगली जीवन ते कुदरत का कमाल देखने लिए उत्तर पूर्व के सुंदर स्थानों की सैर करने का सद्दा दिता। उन्होंने दसा कि न्यू इंडिया के कमाल नाल निश्चित किए जा रहे टीचे छेती पूरे किए जा रहे हैं, जिमें कि 2022 तक शेरों की गिणती दुगुनी करन दा टीचा भारत में 2019 ही हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वेले भारत में शेरों की आबादी 2967 है। श्री मोदी ने 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद वालों दिते इतिहासक भाषण का जिक्र करदिआं कहा कि उन्होंने भाषण ने सारी दुनिया को भारत प्रति अपना नज़रिया बदलने के लिए मजबूर कर दिता। श्री मोदी ने कहा कि इस बार 29 अगस्त को कौमी खेड दिवस मौके फिट इंडिया मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह देश के सारे नागरिकों को तंदुरुस्त और तकड़ा देखना चाहते हैं, इसलिए वह देश के हर नागरिक को फिट इंडिया अभियान नाल जोड़ना चाहते हैं। श्री मोदी ने 29 अगस्त तो शुरू होने वाले फिट इंडिया अभियान 11 सितंबर तो 2 अक्तूबर तक स्वच्छता अभियान तो 2 अक्तूबर प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने लिए एक नवी शक्ति ते संकल्प नाल योगदान पाने का सद्दा दिता। और हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। खुद को फिट रखना है, देश को फिट बनाना है, हर एक के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, सबके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभियान होगा और ये आपका अपना होगा, लेकिन उसकी बारीकियां आज मैं बताने नहीं जा रहा हूं। 29 अगस्त का इंतजार कीजिए, मैं खुद उस दिन विस्तार से विषय में बताने वाला हूं। पंजाब सरकार वालों इस नवंबर में श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पुरब मनाने लिए हर तरह दीयां तैयारियां जोर शोर नाल कीतियां जा रही ने। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान विच पंजाब दे स्थानक सरकारां बारे मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने कहा है कि उन्हां दे महकमे वालों सुल्तानपुर लोधी बटाला ते डेरा बाबा नानक आने वाले लखां शरधालुआं लई बुनियादी सहूलतां दा बंदोबस्त किया जा रहा है। महिंद्रा ने कहा कि उन्हां दा महकमा शरधालुआं नूं बुनियादी सहूलतां देण ते इन्हां शहरां नूं जोड़न वालियां सड़कां दी मुरम्मत उपर 58 करोड़ रुपए खर्च रहा है। महिंद्रा ने कहा कि इन्हां तीन पवित्र शहरां विच गुरपुरब नाल जुड़े विकास कार्ज 65 तों 80% मुकम्मल कर लए गए ने ते बाकी दे काम अगले महीने तक मुकम्मल कर लए जाणगे। ब्रह्म महिंद्रा वल्लों सुल्तानपुर लोधी बटाला ते डेरा बाबा नानक विच चल रहे विकास कार्जां दा चंडीगढ़ विच होई उच्च पद्धरी मीटिंग विच जायजा लिया गया। मीटिंग दौरान दसया गया कि पवित्र नगरी सुल्तानपुर रोधी विच 8 चौंकों उत्ते उच्चियां अते वड्डियां लाइटां LED लाइटां लगाईआं जाणगीआं, जदकि शहर दीआं गलीआं विच 450 LED स्ट्रीट लाइटां लगाईआं जाणगीआं। इस तों इलावा औरतां ते मर्दां लई आधुनिक किस्म दे 20 पखाने भी बनाए जा रहे ने। गुरपुरब समागमां दौरान सुल्तानपुर लोधी नूं साफ सुथरा रखण लई मुखतावां ते 240 वड्डे कूड़ादान रखे जाणगे ते साफ सफाई दे कम्मां लई 4000 तों वध सफाई कर्मचारियां दी ड्यूटी लगाई जाएगी। मीटिंग विच देहाती विकास ते पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने भी भाग लिया। उन्होंने दसा कि बटाला विच 20 करोड़ रुपए की लागत नाल कोई 82 काम चल रहे हैं, जबकि डेरा बाबा नानक विच 7 काम चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार वालों पिछले दिन बस किराया विच कीते गए वाधे की करड़ी आलोचना की है। पार्टी की सूबा इकाई की मुख बुलारे प्रोफेसर बलजिंदर कौर ते रुपिंदर कौर रूबी ने चंडीगढ़ तो जारी एक बयान विच कहा है कि कैप्टन सरकार वालों ट्रांसपोर्ट माफिया के दबाव हेठ आ के पंजाब विच बस किराए वधाए गए ने। आम आदमी पार्टी दीआं इन्हां दोहां विधानकारां दा कहना है कि बस किरायां विच कीता गया वाधा आम नागरिकां दीआं जेबां उपर सीधा डाका है। उन्हां कहा कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया तो इलावा बादल परिवार नूं भी इस वाधे का फायदा होगा, क्यों जो उन्हां दीआं भी पंजाब विच बसां चलदीआं ने। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सूबे की कांग्रेस सरकार सरकारी
ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੋਰ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 185 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 51 ਅਤੇ ਅਜਿੰਕਾ ਰਹਾਣੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 222 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 297 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ 260 ਦੌੜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।